हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिख रही लाल रंग की सब्सक्राइब बटन को दबाएं और फिर हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सामने दिख रही बेल को दबाएं। आपने अभी तक राजा और रानियों की बहुत सी कहानियां देखी और सुनी होंगी। आज हम आपको एक ऐसी रानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर है। उसकी क्रूरता के कारण उसे ब्लडी क्वीन भी कहा जाता है। कहते हैं कि रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय शैतान का समय होता है। इस समय अगर आप एक बड़ी सी मोमबत्ती लेकर एक एकांत कमरे में जहाँ बड़ा शीशा हो उसके सामने जाकर मोमबत्ती को जलाकर 3 बार उसका नाम ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी पुकारें तो उसकी रूह आपको शीशे में दिखाई देती है। अब ये सच है या झूठ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि भूतों से मैगी बहुत फटती है। लेकिन कहते हैं कि आज तक जिसने भी ये किया वो किसी को कुछ बताने के लायक नहीं रहा। मैरी द ग्रेट इंग्लैंड के राजा हेनरी 8वें और महारानी कैथरीन की पुत्री थी और इंग्लैंड की प्रसिद्ध रानी एलिजाबेथ की बड़ी बहन थी। मैरी का जन्म 18 फरवरी 1516 ईस्वी को प्लानसेटिया के महल में हुआ था। वो इंग्लैंड और आयरलैंड की जुलाई 1553 ईस्वी अपनी मृत्यु तक रानी गई। वो रोमन कैथोलिक धर्म की कट्टर अनुयायी थी और इंग्लैंड की बहुत संख्यक प्रजा प्रोटेस्टेंट भी थी। उसने कैथोलिक धर्म स्वीकार न करने पर बहुत से प्रोटेस्टेंटों को मरवा दिया। उन्हीं हत्याओं के कारण वो खूनी मैरी या ब्लडी मैरी के नाम से बदनाम हो गई। 1544 ईस्वी में उसकी शादी स्पेन के फिलिप दूसरे के साथ हुई। अपने 5 वर्षों के शासन काल में मैरी ने 280 प्रोटेस्टेंटों को जिंदा जलवा दिया। उसकी शादी के 2 साल बाद वो गर्भवती हुई। कहते हैं कि उसके गर्भ में शैतान था। कई महीने बीत गए लेकिन मैरी को कोई प्रसव पीड़ा नहीं हुई और एक दिन जब वो सोकर उठी तो उसका पेट एकदम नॉर्मल था। इस सदमे से उबरने में उसे कई महीने लग गए। कुछ महीने के बाद वो फिर गर्भवती हुई और फिर वही हुआ। इस बार वो सदमे से उबर न सकी और उसकी सौतेली बहन एलिजाबेथ ने उसकी हत्या करवा दी। इस प्रकार उसकी बहुत दर्दनाक मौत हुई। जब भी कोई 3 बार उसका नाम पुकारता है तो वो आती है और अगर कोई उसे ये कहे कि मैंने तुम्हारे बच्चों को चुराया है तो वो गुस्सा हो जाती है और उस इंसान को मार भी सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। Thank you.
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिख रही लाल रंग की सब्सक्राइब बटन को दबाएं और फिर हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सामने दिख रही बेल को दबाएं।